सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन यदि बढ़ाना है तो क्या करे, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। देखिए, सेक्स मतलब ऐसा नहीं कि उसकी शुरुआत बेड पे जाने के बाद में कपड़े रिमूव करेंगे और सेक्स चालू करेंगे, तब होती नहीं है। सेक्स की शुरुआत जब कपड़े पूरे अंग पे है, कहीं घूम रहे कमरे में, खाने के टेबल पे है या किचन में है, मतलब कहीं भी, रात के समय, शाम के समय, कभी भी शुरुआत हो सकती है। ऐसा नहीं कि बेड पे जाने के बाद में होती है। तदि आप कभी भी शुरुआत करते हैं सेक्स की वाइल क्लोज ऑन, मतलब कपड़े पूरे अंग पे रख के भी पास पास आ सकते हैं, फोर प्ले कर सकते हैं, जो भी है, तो वो एक नेचुरल सेक्स होगा और उससे बहुत बढ़िया सेटिस्फेक्शन और एन्जॉयमेंट बढ़ सकता है, अच्छा हो सकता है। फिर आप अपने आप को नंबर दो, आप अपने आप को सेक्सुअल बीइंग करके देखो, एक सेक्सुअल बीइंग है अपने अपने, इसमें अपन सेक्सुअली अराउजेबल व्यक्ति है ऐसा अपने आप को समझो, तो उससे सेक्स में बहुत मजा आएगा। नंबर तीन, अपना प्लेजर जो है खुद का, उसकी जिम्मेवारी आप लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि मुझे प्लेजर चाहिए तो वो मेरी जिम्मेदारी है, और फिर मेरी जिम्मेदारी, तो मैं पार्टनर को बोलूँगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कहाँ से एक्साइटमेंट मिलेगा, स्टिमुलेशन कहाँ से मिलेगा, मैं बोलूँगा तो वो करेंगे ना पार्टनर मेरा, तो वो संभव है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। नंबर चार, सिर्फ सेक्स के लिए पास में नहीं आना है पति पत्नी ने, एक साथ टाइम बिताओ, शाम का चाय एक साथ ले सकते हैं, सुबह का चाय ले सकते हैं, शाम को खाना खाने बाद में घूमने जा सकते हैं, थोड़ा सा घूम के आ सकते हैं, तो सब साथ साथ में रहते हैं तो उससे भी बहुत अच्छा लगता है, एक साथ टाइम बिताओ। नंबर पाँच, सेक्स मतलब एक रूटीन है, ऐसा नहीं करने का है कि सेक्स एक करना पड़ता है, रूटीन है, नहीं करेगा तो पार्टनर क्या बोलेगा, क्या बोलेंगी, मतलब इस तरह का है, तो वैसा उसको रूटीन मत समझो, सेक्स नहीं रूटीन, ऐसा नहीं समझने का है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है और वो जब चाहे तब कर सकते हैं, वो रूटीन करके नहीं करना है। फिर नंबर छः, आप घर में भी हो तभी आप नई जगह पे कर सकते हो सेक्स, नए पोजीशंस आप ले सकते हो, नए नए आसन ले सकते हो, नए तरीके अपना सकते हो, नया टाइम चूज कर सकते हैं, तो ऐसे अलग अलग आप तरीके यूज कर सकते हैं। कभी आप, ऐसा भी हो सकता है कि लोग ऐसा करते हैं कि शादी की सालगिरह है, बर्थडे है, तो कभी होटल बुक कर ले, होटल में चले गए, वहाँ एक दिन वहाँ मुकाम कर लिए, वन नाइट इन द लाइक स्टे इन द होटल, ऐसा भी कर सकते हैं। फिर सातवा पॉइंट ये है कि इंटरकोर्स या फाइनल गोल नहीं है, कि भाई इंटरकोर्स करना ये फाइनल गोल नहीं है, वो एक गोल है, वो एक उद्देश्य है। फोर प्ले, इंटरकोर्स एंड आफ्टर प्ले, ये सब उसमें आता है सेक्स में, और वैसा आप दिन भर में भी आप एक दूसरे से प्यार कर सकते हो, एक दूसरे को एक्साइट कर सकते हो, एक दूसरे से बातें कर सकते हो, मतलब एंजॉयमेंट कर सकते हो, तो वो भी संभव है। नंबर आठ, फैंटासी का वापर कर सकते हो, मतलब ये अभी रिकमेंडेड वैसा है नहीं है, मॉरल इमॉरल वो बात बाजू में रखो, पर बहुत बार ऐसा होता है जो हमारे पेशेंट आते हैं हमारे पास में, बोलते हैं कि भाई पत्नी के साथ में हम सेक्स करते तो इरेक्शन नहीं आता है, तो फिर मैं क्या करता हूँ कि कभी कभी पॉर्न वीडियो देख लेता हूँ, या कभी एक्ट्रेस को इमेजिन करता हूँ, कोई हीरोइन को इमेजिन करता हूँ, कोई और अच्छी जो लड़की उसको इमेजिन करता हूँ, वहाँ से एक्साइटमेंट लेता हूँ और बाद में सेक्स करता हूँ, तो ऐसा फैंटेसी अभी मॉरल है इमॉरल है वो बात अलग रखो, मैं एक बता रहा हूँ मैं कि लोग ऐसा भी करते हैं, फैंटासी का वापर करते हैं दोनों भी पार्टनर, तो उनको मजा आता है। फिर नवा पॉइंट है कि हार्डवर्क करने का नहीं है, सेक्स मतलब हार्डवर्क है, वो होना ही चाहिए, करना ही है, एक्साइटमेंट आना चाहिए, इरेक्शन होना ही चाहिए, ऐसा हार्डवर्क करेंगे उसके ऊपर काम करेंगे सेक्स के ऊपर तो होता नहीं है। सेक्स से नेचुरली इरेक्शन आना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हो, और वो नेचुरल इरेक्शन होता है, ऐसा होना जरूरी है। फिर दसवां पॉइंट है, रोमांस अलाइव रखो। शादी के बाद में एक साल पहले, एक साल का जो पीरियड था वो जैसा रोमांटिक था, वैसा रोमांस आप अलाइव रख सकते हैं अपनी ज़िंदगी भर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी पहले ही साल करना है, तो रोमांस अलाइव रखो, एक दूसरे को अप्रिशिएट करो, एक दूसरे ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो तू स्मार्ट दिख रहे हो या दिख रही है, ऐसा एक दूसरे को बोल सकते हैं, एक दूसरे को बोल सकते कि कैसे कपड़े पहनना तो उसको अच्छा लगता है अपने पार्टनर को, तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसा एक दूसरे को अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना, अपनी लाइकिंग बताना, पत्नी ने कैसा पहराव करना चाहिए, पति ने कैसा पहराव करना चाहिए तो उसको अच्छा लगे, वो आप रोमांस अलाइव रखते तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर ग्यारहवा पॉइंट है कि सीरियस काम है भाई सेक्स, ऐसा मत समझो, एक सीरियस काम करके नहीं है, एन्जॉयमेंट है, सेटिस्फैक्शन है, ऐसा नहीं कि वो एक काम है और मैंने मेरे को करना है इसलिए, ऐसा करने का नहीं है।
फिर 12वां पॉइंट है कि मूड का इंतजार मत करो। नहीं नहीं मेरा मूड अच्छा रहेगा तो मैं करूँगा, नहीं, हो सकता है कि मूड नहीं है आपका, मगर आप चालू कर देते फोर प्ले, बातें करते पास पास बैठते तो मूड बन जाता है। तो ऐसा नहीं कि मूड होगा तभी मैं सेक्स करूँगा, तो मूड का इंतज़ार कभी करने का नहीं। 13वां पॉइंट है 13 पॉइंट की रियलिटी का वास्तव जो है उसका भान रखो। इसका मतलब ऐसा है कि कभी रियलिटी का भान नहीं रहता है, मतलब टच में रहते नहीं है। कभी ऐसा हो जाता है कि सेक्स करने के समय जल्दी समझो हो गया, प्री मैरिज इजैकुलेशन हो गया, पत्नी का समाधान नहीं हुआ, होता क्या है कि वो डिमांड करती है कि मेरा हुआ नहीं। अब रियलिटी ये है कि सेकंड टाइम तुरंत इरेक्शन आना मुश्किल रहता है, फिर वो नहीं आया तो वो कोशिश करता है इरेक्शन लाने की, कोशिश किया तो और होता नहीं है, पत्नी चिढ़ जाती है, झगड़े हो जाते हैं, फिर और फिर मूड खराब, फिर बात नहीं करना। तो ऐसा नहीं है, रियलिटी ये है कि एक सेक्स एक बार हो गया तो इरेक्शन दूसरी बार आने को कुछ टाइम लगेगा, पड़ेगा। तो सेकंड टाइम सेक्स करने के लिए टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा, और वो रियलिटी का वास्तवता का भान होना चाहिए। तो वही रहेगा तो झगड़े झंझट होगा नहीं, और डिमांड ऐसी कुछ तो भी उल्टी पुल्टी होंगे नहीं। ये पॉइंट मैंने आपको 13 पॉइंट बता दिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। नंबर एक, क्लोज ऑन करके सेक्स हो सकता है चालू। नंबर दो, सेक्सुअल बीइंग करके अपने आप को समझो। नंबर तीन, खुद को प्लेजर मिलने की जिम्मेवारी आप खुद लो। नंबर चार, साथ साथ टाइम बिताओ। नंबर पाँच, सेक्स एक रूटीन करके नहीं करने का है। नंबर छः, नई जगह नई पोजीशन नई तरीके नया टाइम निकालो और उस समय करो। नंबर सात, इंटरकोर्स करना यह फाइनल गोल नहीं है। नंबर आठ, फैंटासी कर सकते हैं, फैंटासाइज कर सकते हैं। नंबर नौ, हार्डवर्क मत समझो सेक्स मतलब। नंबर दस, रोमांस जो है वो अलाइव रखो, जीवित रखो। नंबर ग्यारह, सेक्स ये सीरियस काम है ऐसा मत समझो। नंबर बारह, अच्छे मूड का इंतज़ार मत करो। नंबर तेरह, रियलिटी के टच में रहो। ये 13 पॉइंट आप देखते हैं उसका पालन करते हो, डेफिनेटली सेक्स लाइफ बहुत एंजॉय हो जाएगा, बहुत सेटिस्फैक्शन उसमें मिलेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी हुई है, इसमें उसके ऊपर आप क्लिक करो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे। तो हमारे जो सेक्स वेबिनार होते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे ग्रुप में, और हमारा ऐप है वो ऐप डाउनलोड आप कर सकते हैं, वेबसाइट है, हमको फेसबुक का हमारा पेज फॉलो करो, यूट्यूब को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, घंटे दबाओ। थैंक यू वेरी मच।